A particle is moving such that its position coordinates x, y are. Three different positions at different times are given. 2, 3 at time equals to 0, 6, 7 at time equals to 2, and 13, 14 at time equals to 5. Average velocity from time equals to 0 to time equals to 5. Moving to the solution part. Initial point of coordinate transit motion particle is starting. That is 2i plus 3j, जो हमारे पास क्वेश्चन में शुरुआत में फाइनल पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट जहां पर पार्टिकल की मोशन एंड होती है दैट इज द फाइनल कोऑर्डिनेट 13 एंड 14. सिंस ये हम सब लोग जानते हैं एज नेट डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल सबट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट मिलता है 11i प्लस 11j. 11 को कॉमन ले लेते हैं तो रिजल्ट मिलता है 11i plus j. टाइम 0 से 5 सेकंड टोटल टाइम ना हमारे पास 5 सेकंड्स सो टाइम एस 5 सेकंड्स वेलोसिटी एवरेज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम पुटिंग द वैल्यू 11i plus j upon 5 हमारा सॉल्यूशन बनता है